Hey guys, welcome back to Revision. मैं फैसल, मेरे साथ हैं इब्रार। तो इब्रार किस पे करने लगे हम? आज हम आतिफ असलम के ऊपर रिएक्शन करने लगे हैं। इंडियन सेलिब्रिटीज का आतिफ असलम के बारे में क्या सोचना है, क्या क्या उसे पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं या हेट करते हैं। तो चले उनकी सोच है आतिफ असलम के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम। हमें सबको पता है कि आतिफ असलम कितने बड़े सिंगर हैं और उन्होंने हमारे बॉलीवुड को कितने हिट सॉन्ग्स दिए हैं। स्टिल बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको बहुत से लोग अभी भी हेट करते हैं और बहुत से लोग हंसते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग उन्हीं कुछ सेलिब्रिटीज का मिक्स रिएक्शन देखेंगे आतिफ असलम को लेकर। स्टार्ट करते हैं। ये तो नफरत नहीं करता होगा, अच्छा गुजारा है उसने भी वहां पे। गरीब सिंगर चैनल का नाम है गरीब। वी ऑल नो कि सोनू निगम कितने बड़े लेजेंडरी सिंगर हैं और उनसे कॉम्प्लीमेंट पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट क्लिप में हम लोग देखेंगे कि एक लाइव शो के दौरान सोनू निगम आतिफ असलम के बारे में क्या कहते हैं। आतिफ असलम की मुझे एक चीज इतनी क्यूट लगती है, आई डोंट नो यू नोटिस अ लॉट, बट एज अ सिंगर आई एम टेलिंग यू आई फाइंड दिस सो क्यूट। ये तू बोलती रही है क्यों आतिफ असलम बहुत से बॉलीवुड एक्टर के फेवरेट सिंगर भी रह चुके हैं। हमारे बॉलीवुड के बहुत ही लेजेंडरी एक्टर इरफान खान को जब एक इंटरव्यू के दौरान उन्हीं के फिल्म में आतिफ असलम के द्वारा गाए हुए एक सॉन्ग के बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन ये था। ये गीत आपके दिल के कितने करीब? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, इसमें दो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक तो पापोन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा। दूसरा कौन है? दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं। पापोन को मैंने अभी मैं हर फिल्म में जाता हूँ कि पापोन आए और हमें सबको पता है कि अरमान मलिक और अमाल मलिक कितने हम्बल हैं। वो किसी भी बड़े सिंगर के बारे में कभी भी खुल के बोलने से डरते नहीं है और हिचकिचाते नहीं है। तो एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे आतिफ असलम के बारे में पूछा गया तो उनका कहना ये था। आतिफ असलम को मैं कहना चाहूँगा कि हमने ज़िंदगी में सिर्फ एक गाना ज़िंदगी आरों में किया। आई थिंक बहुत फैंस चाहते हैं कि हम साथ में करें कोई और गाना। आई वुड लाइक टू डू सम सॉन्ग विद हिम एंड आई वुड सिंग जीना जीना। ये सॉन्ग उसका बड़ा जबरदस्त है। 3 साल पहले वो एक शो पे परफॉर्म कर रहे थे हम दोनों एक साथ एंड उन्होंने मुझे खुद स्टेज पे बुलाया एंड वी सैंग जीना जीना टुगेदर ऑन स्टेज। आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट विच इज एच्ड इन माय मेमोरी। रणबीर कपूर और आतिफ असलम इन दोनों का जोड़ी बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। दोनों ने मिलकर बहुत ही हिट गाने दिए हैं। इसी को मद्देनजर जब रणबीर कपूर से उनके फेवरेट सिंगर के बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन ये था। अच्छा, ये दुबई के अंदर हुआ था, एक शो हुआ था और जो सक्सेस है अजब प्रेम की कहानी would like to share it with Atif. Pakistan mein to aane ki popularity wahi mehenga yaad mein pehli kaise you know jo unka music hai unki awaaz hai jo reach hai I think a lot of the Indian films success has to be you know given this the credit has to be given to Atif. He's a wonderful singer. I love his voice. Aur jab wo gaate hain wo pure dil se gaate hain aisa lagta hai. Aadhe song pe India utha raha tha. Next clip mein hum log dekhenge ki Bollywood singer Neha Kakkar ne ek live show ke dauran kis tarike se sabke samne kaha ki height choti hai is wajah se baat hai lekin of Atif Aslam awaaz bahut badi hai. Being Atif Aslam fan and the love that I, you know, get from you guys, a gana. SRK. Sharka. I told Atif to sing Geru actually, lekin unke paas waqt nahi tha shayad. Isse mana kar diya. Atif ke paas waqt. And our films are watched there. Similarly, I have to say that I'm the biggest fan of Atif Aslam ever. I've never said this like so openly, but constantly, you know, I listen to Atif's songs every day. So in that way, when you talk about creativity,
There is absolutely no boundary. It doesn't matter where you come from. You touch hearts for the work that you do. ये बड़ी अच्छी बात है कि कई लोग तो जानते हैं कि तौर पे चाहे पसंद में बताते नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के रिएक्शन के कारण बहुत से पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में बैन हो गए। उसी के रिगार्डिंग जब रूबी नौटियाल और सुनील शेट्टी से इस टॉपिक के बारे में कहा गया तो उनका रिएक्शन ये था। मैम, मेरा मानना है कि लेट टैलेंट रिमेन टैलेंट। लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो वैसे ही रहने दिए। हमारा दिल बड़ा है, वी आर इंडियंस, और हमारा दिल किसी की अप्रिशिएट करने की वजह से नहीं, अपने टैलेंट और अपने की आवाज की वजह से। अगर कोई स्टेज पे दिल में है तो इंडियन से बढ़कर ये थोड़ी है कि इंडिया ने उसे इतनी ऊपर ले गई, वो फिर भी अपनी तारीफ कर रहे हैं। इट वाज मेड, इट वाज, इट डिडंट कम विद कास्ट, रेस एंड रिलीजन। व्हेन आर्ट वाज मेड, इट वाज जस्ट सो दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन एक्सप्रेस इमोशन। सो आई डोंट बिलीव इन इट। टाइगर श्रॉफ, टाइगर के साथ इसका आ रहा हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आसिफ सर बहुत ही यू नो, ही इज अ लेजेंडरी सिंगर, इज अ बिग सुपरस्टार, सबको ये बात पता है। हालांकि ही इज सच अ, क्योंकि असल में इसका पहला सॉन्ग इसके साथ था ना, आसिफ के साथ टू टॉक टू। जब मैं उनसे बात कर रहा था, इट डिडंट फील लाइक आई वाज टॉकिंग टू द आसिफ असलम, यू नो, ही इज लाइक सच अ कूल गाय। यार मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। हां सही है, बहुत अच्छा। यही गाना अगर जो भी गाना हो, जाने जाने आओ में, अगर ये गाना ऐसे ओरिजिनल, अगर ये गाना ऐसे सुनाया जाता था तो आपको कोई सुन नहीं सकते। लेकिन आज द पीपल इन द स्टूडियो एंड रिकॉर्डिंग, पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, वो सिंगर नहीं है जो बेसुरे आवाज को मशीनों से सुर में किया जाता है। ये हमारे समय में नहीं होता था, आज होने लगा है। ऑनिक प्लीज, हमारे जितने सिंगर्स हैं, प्लीज इस स्टेज पे कभी किसी कूड़ और बेसुरे सिंगर्स का गाना इस स्टेज पे मत गाना। मेरे को उस बर्दाश्त के लेवल पे मत लेके जाना जहाँ पे एक संगीत के नाम पे कलंक चीजों को तुम पेश करोगे और मैं यहाँ पे बैठी अभिजीत को झेलूंगा, बिल्कुल नहीं झेलूंगा। तुमको मैं फुल मार्क्स दे रहा हूँ, लेकिन सिंगर को जीरो जिसने भी गाना गाया है। बट तुमको इसलिए मार्क्स दे रहा हूँ क्योंकि यू हैव संग इट राइट, बिल्कुल तुमने अपनी आवाज में और लाइव गाया है और सुर में गाया है। जब सुनिधि चौहान को एक इंटरव्यू के दौरान इसने क्या कहा वैसे, कि समझ नहीं आई इसके सिंगर के बारे में, उनका कहना ये बिल्कुल फजूल बात की है। शायद ओवररेटेड सिंगर इज आतिफ असलम। आई नो देयर आर मेनी फैंस ऑफ आतिफ असलम, बट आई थिंक नेक्स्ट क्लिप में हम लोग देखेंगे बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर विशाल से हेटर्स भी तो साथ हैं के बारे में क्या सोचते हैं। वन थिंग अबाउट आतिफ असलम इज दैट हिज वॉइस इज मैजिक है, मींस द हिज वॉइस क्वालिटी इज अनबिलीवेबल। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन वर्किंग विद हिम, बहुत लोग काम करते हैं आतिफ के साथ, और कुछ है इनकी आवाज में, कुछ देयर इज समथिंग मैजिकल इन हिज वॉइस। कुछ है और साथ में जो इंजीनियर काम करते हैं उनकी आवाज पे और जिस तरह की जो EQs और reverbs होती है, makes him like a complete voice for the song, you know ना? जबरदस्त यार, वैसे यार एक तो बात ये है ना कि haters तो हर जगह पे होते हैं, बिल्कुल जहाँ भी आपकी तारीफ करने वाले होते हैं वहाँ नफरत करने वाले होते हैं। तो सारी बात है, आप तारीफ करने वाले 10 हैं तो उसमें से 2-4 तो निकल ही आएंगे जो उससे नफरत करते होंगे। और इंडिया में तो वैसे भी काफी होते हैं पाकिस्तान के एक्टर्स और सिंगर्स से। हाँ, काफी ज्यादा वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि वो शायद रिलेशन जो हमारे कंट्रियों के आपस में है उसकी वजह से नहीं। हालांकि नफरत भी करते हैं फिर भी पाकिस्तान के गानों, पुराने गानों का छापा मारते हैं। हाँ, वो यार। देख ले जितने भी उनके हिट सॉन्ग्स हैं सारे आज तक आए, वो सारे पाकिस्तान के हर चीज छापा मार रहा है। हर चीज कॉपी, कॉमेडी भी कॉपी करते हैं, गाने भी कॉपी करते हैं, एक्टिंग भी कॉपी कर रहे होते हैं। हाँ, देख ले। और उनके कॉमेडी चैनल जो पहले अब टॉप पे जा रहे हैं कपिल, ये वो, उनमें देख ले पाकिस्तानी ही, पहले जफरी भी वहां से हो आया, उसके बाद फिर नसीम विक्की, वहां इन्होंने ही जाके उधर ट्रेंड चलाया कॉमेडी का, कॉमेडी का, क्योंकि वहां पे स्टेज का नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान में स्टेज चल रहा था लेकिन वहां पे इस तरह का कुछ नहीं था। तो उन्होंने वहां पे, लेकिन वहां पे हिट होकर उन्होंने कहा नहीं हमारे रिलेशन खराब है, कंट्री उन बंदों को निकाल दो, क्योंकि मेन चीज उनका काम चल गया, अब उन्होंने क्यों। लेकिन जो भी है, एक आर्टिस्ट की, एक सिंगर की या एक एक्टर की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया को या पाकिस्तान। और जो सही आर्टिस्ट होगा वो हमेशा इज्जत करेगा दूसरे आर्टिस्ट की, टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। और वैसे भी आतिफ असलम पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का स्टार है, स्टार है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।